समय हम भाई 11 रुद्री कैथल के 11 रुद्री मंदिर तक लाइव जुड़ चुके हैं, जहां पर कावड़ी भाई कावड़ी आ गए हैं और शिव भाई शिव पे भाई जो लेकर आए हैं कावड़ लेकर आए हैं भाई जो अपना भाई लेकर महसूस करे है, लेकिन इनका चेहरे पर कोई थकावट नहीं नजर आ रही माना है। हम तस्वीरों के माध्यम से देखने लग रहे हो, कोई भाई कोई थकावट नहीं भाई, देख ले भाई ये बिल्कुल भाषा भी है, वही कावड़ी है जो लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय करके वो भी पैदल वो दौड़ लगाकर कैथल पहुंचे हैं गंगा जल को लेकर और अपने शिवालय में जो इनकी खुशी है वो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। बिल्कुल भाई 11 रुद्री कैथल के 11 रुद्री मंदिर का बिल्कुल लाइव तस्वीरें चढ़ गए भाई, जो भी भाई कैथल के इस लाइव देखने लग रहे हो भाई जल्दी से जल्दी भाई शेयर का धमाका उठा दो, टुंडा उठा दो, पूरे झोटे ला लगा शेयर कर दो बिल्कुल बम बम। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं जो भोले के भक्त कैथल के शिवालयों में पहुंच चुके हैं। तो 11 रुद्री मंदिर की है तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां पर जो भोले बाबा के भक्त है वो डाक पावर लेकर पहुंचे हैं और हालांकि इतना दौड़ के बावजूद भी एक मिनट राजीव जी एक मिनट में रोकना चाहूंगा भाई, भाई तरह साइड में हो जी भाई, थोड़े थोड़े साइड में हो जियो, तो डाक कावड़ लेकर भाई इंतजार करो तो हम देख ले भाई आन लग रहा है पूरा भाई, थोड़े से साइड में हो जियो भाई, ज्यादा ज्यादा भाई खबर में शेयर कर दियो डाक कावड़ लेकर आ गया भाई। सीधी लाइव तस्वीरें भाई इधर तक कैथल के 11 रुद्री मंदिर की दिखाई जा रही है जहां पे भाई कावड़ लेकर कावड़िया पहुंचे हैं, पूरा कावड़िया में जोश है भाई, थोड़ा बाहर आ जाए फिर बाहर होता ले वहां पे दिखा ना, थोड़ा बाहर का भी मोल दिखा देता ना, पूरे कावड़िया में पूरा जोश है बिल्कुल दिखा देते हैं देख रहे हैं, क्योंकि जो डाक कावड़ है वो लगातार कैथल पहुंच रही है और जो डाक कावड़ वाले कावड़िए है वो लगातार जो मंदिर का परिसर है उसकी परिक्रमा बिल्कुल 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 उनकी परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डाक कार्ड है वो रुकने नहीं चाहिए। जयप्रकाश जी मैं एक मिनट रोकना चाहूँ, उनके मेरे ख्याल से परिजन भी जरूर आए हुए हैं, परिजन भी साथ में आए हुए हैं, देख लो भाई आ जाओ भाई एक मिनट अंदर आ जाओ भाई, दबते ही अंदर आ जाओ, हम लाइव जुड़ रही हो भाई, ज्यादा से ज्यादा खबर ना शेयर जरूर करती हो भाई, कावड़ी आए हैं भाई साइड में जो देख लो भाई जनार्पण के लिए बस। तस्वीरों का माध्यम से देखने लग रहे हुए कावड़िया में कितना जोश है, थकावट का कोई भाई इनका चेहरा पर कोई मड़ी ही भी थकावट नहीं है और पूरा जोश में कावड़िए भाई बम बम बोल रहे हैं। इनका बातचीत भी जरूर करेंगे भाई, इधर तक बातचीत ज्यादा भाई शेयर जरूर कर दियो, इनका बातचीत भी कर लेंगे भाई, कितने दिन में ये पहुंचे हैं अरे इनका के कहना है भाई, कितनी बार ये कावड़ ले आए सारी बात थरता बता देंगे। लाइव जुड़ रहे हो भाई कैथल के 11 रुद्री मंदिर था भाई, खबर ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो, बोला था बातचीत कर ले भाई थोड़ी सी भाई तेरी बम 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 बोले, अच्छा बोले रंग 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 बोले, बोलता था कितने दिन लगे कावड़ जिस तरह कद गया तो बोले 4 दिन हो गए जाए 22 तारीख ना गए थे 26 ना चल उठाया 26 ना 26 की 26 यहाँ पहुँच गए बोले एक बात पूरे टाइम पे पहुँच गए। अच्छा कितने लोग थे जो कावड़ के ग्रुप में थे? सिर्फ 15 से थे सही जो बजने वाले थे, बाकी
समझ ही सकते हो। अच्छा, और बाइकें कितनी प्रयोग की गई और गाड़ी? छह प्रयोग किया, छह बाइकों का प्रयोग किया गया। और कितने समय में कैथल पर पहुंच गए? हम लगभग 18 या 19 घंटे, मतलब अपने तय समय में पहुंच चुके हैं। हाँ जी, तो अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे भोले की भक्ति में? बहुत खुशियां भाई, तो इस खबर ने भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो, भोले की भक्ति और भोले की शक्ति खातर भाई शेयर जरूर कर दियो भाई। शंकर भगवान की बस। पहले तो अपने फोन काट गए, कैथल के हो गए भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, कैथल ब्रेकिंग टीवी पे लाइव चल रहा है भोले के भक्ता की तस्वीर। अभी बातचीत कर लेते हैं जो डाकिये खबर ना भाई, लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इनसे बातचीत कर ली, इनके फोन तक बंद हो गया क्योंकि जो लगातार जोश था वो खत्म होने का अब भी नाम नहीं ले रहा। अब तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं अभी भी क्या कुछ कहना है इनका। देख लो भाई, तस्वीरों के माध्यम से तुम देखने लग रहे हो कोई थकावट का कोई भाई, इनका चेहरा में मड़ी भी थकावट नहीं देखने लग रही भाई। थोड़ा थाना भी जरूर सहयोग करना पड़ेगा इस खबर ने शेयर करके भाई, बोलम की शक्ति में भाई जो लीन है ये, इस खबर ने ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर जरूर कर दियो कैथल वाले खातर भाई। एक लाइक एक शेयर भाई जरूर बने है भाई, इन देख लो जोश भाई, इनका जोश जो था छोरे का देखने योग्य था भाई। हर आगे भी दिखावा भाई, कड़े के छोरे कड़े कितनी देर हो गए चल रहे थे, वे कहाँ तक पहुंचे सारी भाई कैथल। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जो 11 रुद्री मंदिर है वहां पर जो डाक कावड़ को लेकर जो कावड़िए हैं वो पहुंच चुके हैं क्योंकि जो समय सीमा है वो काफी कम होती है और हालांकि इनको लगातार दौड़ना रहता है और समय से पहले जो कावड़िए पहुंच जाते हैं वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। फिलहाल जो इन्होंने जल अर्पण किया है, जल अभिषेक किया है, आपने देखा होगा। तो मैं आपको दोबारा से एक अपील दोबारा से करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए। तो जयप्रकाश जी, हमारी बहन भी हमारी बहन माता बहन भी जुड़ गए भाई, उनसे भी थोड़ी बातचीत करें। बहन इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ, आ जाओ। हमारी बहन भी भाई साथ में जुड़ गए, इनसे भी थोड़ी ही बातचीत कर लिया भाई। के कहना सर आगे आ जाओ बेबी, बेबी जिस तरह कावड़ तेरा के विश्वास है बे, तो कत्ता ही रह रही है मंदिर में, किस तरह के कहना? पहली बार आई हूँ, पहली बार आई, दो बच्चे कावड़ लेके आए हरिद्वार से, पहली बार है। पहली बार कावड़ लेके आए आपके बच्चे? हाँ जी। कहाँ थे बेबे? यही थे कहते कत्तर से ही हो। के मनोकामना सोची है भाई, के मनोकामना पूरी करो, जो इनकी तरक्की हो, भगवान पूरी कर दे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, सुख शांति और तरक्की खातर भाई मनोकामना मांगी है। एक और खड़ी है, चाची खड़ी है, इससे भी थोड़ी बातचीत कर लिया। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। के कहना चाहिए जिस तरह कावड़ लेके आवा है कावड़ी भाई? भैया बहुत अच्छी बात है, हमारे तो जो कुछ भी हम मन मादारा लैक लैन में चल रहे हैं, बीड़ी नहीं है अपनी, सब सारा कुछ जमी ठीक हो रहा। अब मैं तो कुंवारे पनते ही भोले की भगत नहीं हूँ और मेरे बच्चे भी भोले पा जमा। बिल्कुल भैया, भी बात बहुत बड़ी बात कह दी चाची ने भाई। भाई जो भी भाई भाई है जो थापा है, नशा नशा भाई, नशा हमारे हरियाणा में ना है नशा, न्यू सोच दो कदे भाई नशा करके ना कावड़ लेके आवा, नशा बिल्कुल नहीं है। चाची ने बिल्कुल साबित भी कर दिया बात है, बोला मैं बोला की भक्ति में। मैंने कहा बाप जिंदा जी दारू बीड़ी ना, मेरे बच्चे, मेरे तीन बच्चे हैं, लड़की है मेरे पास, सारे लैक बंद है जी, मैं इतनी खुश हूँ भी बस, मैं बोले बाबा के आगा कुछ कह नहीं बस सकती हूँ। बिल्कुल जयप्रकाश जी, थोड़ी बातचीत करो आप भी। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखाई है 11 रुद्री मंदिर की दिखाई है, यह 11 रुद्री वही मंदिर है जो छोटी काशी कैथल जिसको कहा जाता है, इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि एक तो काशी में ये 11 रुद्र है और दूसरा कैथल में, काफी सौभाग्य की बात है उन कैथल वासियों के लिए क्योंकि 11 रुद्र कैथल में विराजमान है, काफी जो ऐतिहासिक मंदिर इसको बताया जाता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से, वो लोग यहाँ पर जो पूजा प्रकाश जी, एक मिनट में रोकना चाहूंगा बीच में तना। जी बिल्कुल, आपने सवेरे लाइव कराया था जी, लेकिन लाइव था सवेरे, इब तक भाई इब तक कोई भीड़ नहीं टूट रही 11 रुद्री मंदिर में था भाई, इब तक आप देखने लाए रहो पूरे पूरे भक्तांगी भाई, भीड़ न्यू की न्यू। जी जी बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि ये वही भोले बाबा के भक्त हैं जो अपनी आस्था जताते हुए कैथल के 11 रुद्री मंदिर में आते हैं क्योंकि ये वही मंदिर है जो लाखों हजारों भक्तों की अभी तक मनोकामना। एक मिनट और, अपना भाई बच्चा ने भाई गोद में लेकर प्यार लाग रहा, खंड कावड़ लेकर आया था, दो दिन में आया, तीन दिन में आया, अभी पूछांगे इस तरह, लेकिन आंधे अपना भाई बच्चा है गोद में ठह लिया भाई, बालक सबने प्यारे हुए हैं। पूछो जय प्रकाश जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? कबीर।
अच्छा, कौन सी कावड़ में गए थे? डाक कावड़ में गए थे। कितने समय लगा और कितने लोग थे? 18-19 जने थे। 18-19 लोग थे और बाइकों का काफिला और गाड़ी भी थी साथ में। हाँ जी। अच्छा, तो आप छोटा सा बच्चा हाथ में लिए खड़े हुए हैं, तो ये भी शायद वेट कर रहा होगा कि मेरे पापा और मेरे पिता यहाँ पर पहुँचे। भांजी है जी, भांजी है। तो फिर भी बच्चे को ये होता है कि बच्चा तो है ना। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर, किस मनोकामना को लेकर डाक कावड़ के लिए पहुँचे थे? नहीं, सभी बढ़िया हो गया जी, हमारा तो अच्छे से हो गया, कुशल मंगल हो गया जी। तो जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने अपने परिजनों से मिलने, क्योंकि 2-3 दिन अलग रहे, दूर रहे भोले बाबा के लिए, और जो जल अर्पण के लिए जो हरिद्वार की तरफ इन्होंने रुख किया था जल को उठाने के लिए, जैसे ही इन्होंने जल उठाया तभी से ताबड़तोड़ स्पीड जो इनकी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि डाक कावड़ में एक अहम भूमिका स्पीड की रहती है, क्योंकि समय सारणी और समय सीमा काफी कम होती है। जी भाल साहब, आगे की कमान आप संभालिए और बातचीत कर लेते हैं जो 11 रुद्री मंदिर से आप देख रहे हैं। तो जयप्रकाश जी, बात आपने बिल्कुल सही कह दी, भगतों का पूरा ताता लग रहा है जी। पूरा ताता लग रहा है, सवेरे का भगत आन लग रहे हैं, जान लग रहे हैं, कावड़ी आन लग रहे हैं, जान लग रहे हैं जी। और पूरा डुंडा ठहरा क्या है हमारे कैथल के छोरे ने भाई जी, पूरा डुंडा ठहरा क्या है कावड़ में, मंदिरा में जल अभिषेक करने वाले का धमाका उठ रहा है सवेरी का जी। जयप्रकाश जी, मैं तो कहूँ ईसा ईसा जूस मारे कैथल के छोरे में बनिया रवे, और भोले बाबा की न्यू जो मनोकामना है इनकी, जो लेकर आए कावड़ सारी मनोकामना पूरी करे, हम तो यही कामना करेंगे। तो कैथल वासियों के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, कैथल की पूरे इंडिया की जो सबसे अनोखी कावड़ है वो कैथल से गई थी, और हरिद्वार से जल को लेकर जो आई है, क्योंकि जो कावड़ है उस कावड़ में क्या कुछ खास है वो भी मैं आपको बता दूं, जो कुंडियों के द्वारा खाल में अपनी पीठ में कुंडी घुसाकर जो कावड़ को खींचा गया था वो बहुत ही अनोखी कावड़ है, और वो पूरे भारत में जो काफी प्रसिद्ध हुई है भाल साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी, जयप्रकाश जी बिल्कुल, क्योंकि कैथल वासियों के लिए काफी गौरव की बात है, और कैथल एक छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो 11 रुद्र है और 11 शिवलिंग है वो कैथल में, एक काशी में तो दूसरा कैथल में विराजमान है। तो एक शेर जरूर बनाए भाई जी, एक लाइक जरूर बनाए भाई जी, इस भाई भक्त हाथर और भाई शिवरात्रि पे भाई जरूर तुम लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब भी करियो भाई, और आगे भाई मन दिखा अपने और भी भाई जयप्रकाश जी अपना और भी भाई बाट लग रहे हैं देखने, अपने जो दूर दूर के जो हैं गामा के जुड़ रहे हैं अपने गल वो भी देखना चाहवा भाई, मारे बालक मारे कावड़िए कतौड़ी सी पहुंच गए, मैं उन्नति भी दिखाने की भाई जरूर वह करांगे, लाइव दिखावांगे, फिर दोबारा फिर आप डांड रोड पे चलेंगे तो रोड पर लाइव दिखावांगे। मैं विराम लेता हूं और थोड़ी ही देर बाद आपको दिखाएंगे कि कैथल में कहां कहां से कावड़िए आ रहे हैं, और 11 रुद्री मंदिर और अन्य कैथल में स्थित शिवालयों पर रुक कर चुके हैं, सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे, फिलहाल दूसरी वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।